नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई यूएई दुबई से रिलेटेड। जी हाँ, हालांकि एक वीडियो मैंने साल भर पहले भी इस टॉपिक पे बना चुका हूँ, लेकिन ये कई बार मौत के मामले सामने आ जाते हैं। जी हाँ, मौत का मामला मतलब क्या है? इंडिया के कितने लोग हैं भाई, लाखों की संख्या में 30-35 लाख से ऊपर इंडियन वर्कर दुबई में काम करते हैं। तो आपको क्या लगता है, मौत नहीं होती क्या? मुझे लगता है आए दिन ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन इंडियन वर्कर की दुबई यूएई में मौत नहीं होती है काम करते समय। जी हाँ, तो इस डिटेल पे हम बात करेंगे कि कोई भी आप ये वीडियो आपके सबके काम का भाई, ये मौत किसी को पता नहीं लगता। आप सोचो यार, अपने क्यों क्या जरूरत है इसकी, हम यूट्यूब क्यों देखें? लेकिन ये मौत है ना, किसी को पता नहीं लगता, लेकिन बाद में जब रोते रहते हैं, जब हमें को पता नहीं होता, कंपनी अपना पैसा खा जाती है, अपना कुछ हो नहीं पाता, तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए और सब लोगों को आपको शेयर भी करना चाहिए कि कंपनी में अगर आप यूएई में जॉब कर रहे हैं तो बता दूं, अगर आप ऑन ड्यूटी या फिर कंपनी में काम करते समय आपकी डेथ हो जाती है तो कंपनी पल्ला झाड़ देती है। समझ रहे? अभी तो कोरोना का माहौल ऐसा चल रहा है कि बेवकूफ बना के कोविड नहीं होते हुए बोल देते हैं कोविड है। बहुत सारे लोगों को तो बेचारों को पता ही नहीं होता, गरीब घर के होते हैं, अनपढ़ कैटेगरी के बैकवर्ड इलाकों के होते हैं, उनको पता ही नहीं होता, उनकी डेड बॉडी एनओसी मंगवा के वही दफन कर देते हैं मैटर क्लोज, और बंदे को ये नहीं होता कि हमारा बच्चा मरा भी है क्या, क्योंकि हम अपनी आंखों के सामने उनका संस्कार करते हैं, उनको दफनाते हैं या उनका अंतिम संस्कार करते हैं, तो हमें मन को सुकून होता है कि भाई चलो हमारा परिवार में मौत हुई थी, उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन वे में जो लोगों की आजकल मौत हो रही है उनका तो हम वो भी लोगों को नसीब नहीं होता। जी हाँ, इसी टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं कि मान लो आज जरूरी नहीं होता कि आपके परिवार में उसको मरे आज 5-6 महीने हो गए दुबई में, नहीं जी, आपके पास अभी भी ये कानून शेष रहता है, बचता है कि आपको मुआवजा अगर मौत हो जाती है कंपनी में, मुआवजा प्लस उसका हर्जाना इंश्योरेंस, वो आपको बोनस भी मिलना चाहिए। जी हाँ, इस डिटेल पे हम बात करते हैं कंपनियां किस तरह से बेवकूफ आपको बना सकती हैं और एनओसी किस तरह से ले सकती हैं, इस पे हम डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करिए, भाई फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखिए ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि आपके परिवार में कोई भी, जरूरी नहीं होता भाई कि आप इंडिया में बैठे हो, नो प्रॉब्लम, मौत आपकी वहां हो चुकी है परिवार में, दैट्स मैटर, कानून सबके लिए बराबर है, आप उसके ऊपर फिर भी अपना हक जमा सकते हैं। जी हाँ, आप कानूनी कार्रवाई उसमें अमल में ला सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके परिवार में 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने पहले वी में आपके परिवार की किसी भी वर्कर की, आपका कोई भी जो रिश्तेदार लगता है, उनकी मौत हो चुकी है। जी हाँ, कंपनी से आप कॉन्टेक्ट करते हैं कि भाई आप उनकी सैलरी दीजिए या फिर बोनस दीजिए, उसका मुआवजा दीजिए, तो कंपनी आपको क्या बोल सकती है? कंपनी के पास देखिए बहाना क्या होता है कि हम मुआवजा नहीं दे सकते क्योंकि हमारा वर्कर के साथ अग्रीमेंट हुआ था कि भाई हमारी कंपनी में चोट हो जाती है, आपकी मृत्यु हो जाती है तो हम मुआवजा नहीं देंगे, ये हमारे पास अग्रीमेंट है। तो आपका मुंह बंद हो जाएगा, अग्रीमेंट के सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन नहीं जी, मैं बता दूं, दुबई का जो लेबर लॉ बना है 1980 की धारा 149 के कानून नंबर 8 में यह प्रावधान साफ साफ किया गया है कि ये कंपनियां इस तरह से आपको बेवकूफ बनाती हैं कि ये हमारे पास अग्रीमेंट है, कंपनी में काम करने के दौरान उसकी मौत हो जाती है, चोट लग जाती है, तो हम मुआवजा नहीं देंगे, जबकि ये अवैध है, गलत है, कंपनी अपनी मनमर्जी से ये उसके ऊपर सिग्नेचर करवाए। कंपनी दुबई का जो लेबर लॉ है उसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है, खासतौर से सुन लीजिए इस बात, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट आपके काम की हो सकती है। कंपनी से आप उसका मृत्यु मुआवजा मांग सकते हैं प्लस उसका बोनस मांग सकते हैं। क्या उसने कंपनी में काम तो किया होगा ना, काम करते करते उनकी डेथ हुई है, वो खत्म हो गया बंदा, तो कंपनी क्यों देगी उनको अर्जाना? बिल्कुल नहीं देगी, वो तो लास्ट को भी वही ठिकाने लगाने की सोचती है। देखिए मैंने, मेरे पास पिछले 6 महीने में कम से कम 20 से 30 के ऐसे केस आ गए जिनकी वहां पे डेथ हो गई, उनका कुछ नहीं कर सका। जी हाँ भाई, मेरे इस वीडियो के माध्यम से अगर आपकी वहां डेथ हुई है तो आप इन चीजों के माध्यम से उनका कर्मचारी का, उनका जो आपका वर्कर है वहां डेथ हुई है, उसका मुआवजा भी मांग सकते हैं, डेथ उनकी डेथ हो चुकी है, उनका मुआवजा प्लस उसकी बोनस। अब बोनस आपको किस तरह से मिल सकता है बता दूं, जैसे आपके वर्कर की वहां पे काम कर रहा था वो, जैसे उसकी सैलरी 1500 दराम थी या 1000 दराम थी, जो भी जितनी भी दराम थी, उसका 24 महीने का पैसा उसको मिलना चाहिए, अगले 24 महीने का, समझ रहे हो? जैसे आज उसकी डेथ हुई है तो 2 साल तक वो कितना पैसा वो कमाता, ये बात इंपोर्टेंट होती है इसमें। मैं बता दूं, अगर आपको इसमें मुआवजा मिलता है तो कम से कम 18,000 दुबई दराम से लेके 35,000 दुबई दराम के बीच में होना चाहिए, यानी इंडियन करेंसी को अगर हम गुणात्मक में करें 3.5 लाख से लेके 7 लाख के बीच में आपका मुआवजा बनता है, जो कंपनी को 100% देना ही होगा। जी हाँ,
कंपनी को देना पड़ेगा। अगर नहीं देते तो भाई उसके खिलाफ ये कानूनी एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि जो अग्रीमेंट है उसमें ये बातें साफ साफ लिखी गई हैं, कंपनी मना कर ही नहीं सकती आपको। जी हाँ, अब ये मुआवजा किस किस को मिलेगा ये इम्पोर्टेंट है। मरने वाले की वाइफ को मिल सकता है, उनके बच्चों को मिल सकता है, उसकी बच्ची है 18 साल से छोटी उनको मिल सकता है, या फिर बच्चे हैं 24 साल तक के जो पढ़ाई कर रहे हैं वो अभी कमाने के लायक नहीं है, कमा नहीं सकते, वो एजुकेशन कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो उनको ये मुआवजा मिल सकता है। उनके मदर फादर का अगर है, जिस दिन वो वर्कर जहां दुबई में था उसकी मौत हुई थी उस दिन के उस टाइम के दौरान उसके परिवार में उसके संरक्षण में कौन कौन बंदे थे जिनको वो पाल पोस रहा था, जिसमें उसकी वाइफ हो सकती है, उनकी बच्चे, उनकी बच्चियां, ठीक है, उनके फादर और मदर भी हो सकते हैं, उनका भाई भी हो सकता है। आपने देखा होगा यार अपने परिवार में लाजमी सी है कि एक बंदा कमा रहा है वहां पे तो उसके पीछे 8 बंदे खाने वाले हैं घर पे, तो वो उनको पालन पोषण ही तो कर रहा था ना, तो उस दौरान अगर उनको मुआवजा मिलता है तो इन सब में वो डिवाइड हो सकता है। जी हाँ, नाबालिग बच्चियां क्या होती है, जिनकी शादी नहीं हुई है, जो ससुराल नहीं पहुंची है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो ससुराल चली गई वो अपने ससुराल में सेटल है, उनका मुआवजा नहीं मिलेगा। जो अनमेरिड है, जो 17 साल तक की एज है और जो अपने फादर के पैसों पे ही उनका पालन हो रहा है, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। 24 साल तक का बच्चा एजुकेशन ले रहा है, पढ़ाई ले रहा है, तो उसके हक बनता है कि भाई वो पैसा उनको मिले, डिवाइडेशन मिले, उनके अकाउंट नंबर में वो मुआवजा कंपनी की तरफ से डाला जाना चाहिए। जी हाँ, और रही बात की जो कंपनी आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करती है, देखो हमारे साथ समझौता हुआ था, ये अग्रीमेंट लेटर है वो सब फेक है, आपको मुआवजा, आपको कंपनी को बोनस देना ही होगा, नहीं देता तो भाई सीधी सी बात है दुबई में एडवोकेट बहुत है, आप किसी भी लीगल लॉयर के साथ बातचीत करके उन कंपनी के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं और कंपनी को हाथ जोड़ के आपको पैसा देना पड़ेगा, और उसके बाद में आपका वहां पे जो खर्चा हो रहा है लीगल प्रोसेस में, आपके एडवोकेट फीस या फिर आपका कोर्ट का जो भी खर्चा, वो भी कंपनी को मुआवजा देना पड़ेगा। जी हाँ, तो आप इस बात को समझ चुके होंगे भाई, जहां पर भी मौत होती है, दुबई वे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सब देशों में यही है, गल्फ देशों में सब में नियम सेम है, अलग अलग देशों के अलग अलग, मैं टाइम आने पे वीडियो बनाता रहूंगा, आप वीडियो देखते रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।